हेलो फ्रेंड्स, मैं दीप्ति। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे दो चीज़ें शेयर करूंगी। एक तो ये है वर्टिकल प्लांटर स्टैंड, और दूसरा है इस प्लांटर स्टैंड में लगाया हुआ है चाइनीज़ वायलेट का प्लांट, उसकी केयर के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं इस वर्टिकल प्लांटर स्टैंड के बारे में। अक्सर ऐसा होता है शहरों में गार्डनिंग करने के लिए जगह की कमी होती है, या फिर गार्डनिंग करते हुए हम इतने ज़्यादा प्लांट्स लगा लेते हैं तब हमें उनको रखने के लिए ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है। ऐसे में इस तरह के वर्टिकल प्लांटर स्टैंड हमारी जगह की कमी को काफ़ी हद तक कम कर देते हैं। मेरे पास ऐसे दो प्लांटर स्टैंड है। जब हमारे घर में लोहे के ग्रिल वगैरह बनाने का काम चल रहा था, उसी वक्त बचे हुए लोहे के जो छड़ थे उन्हीं से मैंने इनको बनवाया था। मुझे केवल इसकी जाली को खरीदना पड़ा था। इस तरह से जो बचे खुचे रॉड थे उनका भी यूज़ हो गया, और मेरे लिए 4x4 फीट वाले दो वर्टिकल प्लांटर स्टैंड भी तैयार हो गए। और मैंने इसमें छोटे छोटे प्लांटर में लगा रखे हैं चाइनीज़ वायलेट के प्लांट। मैंने एक ही साइड में प्लांटर हैंग किए हैं। अगर आप चाहें तो इसके दोनों साइड में प्लांटर हैंग कर सकते हैं, मतलब कुछ प्लांटर इस साइड में और कुछ प्लांटर पीछे के साइड में हैंग कर सकते हैं। इसमें नीचे इस तरह से पाए बने हुए हैं दो, और लोहे की पट्टियों से एक फ्रेम सा बना लिया गया है, और उस पर इस जाली को वेल्ड कर दिया गया है। ये 1.25 इंच के गैप वाली जालियां हैं। इसमें हम इजीली किसी भी हैंगिंग प्लांटर को हैंग कर सकते हैं। मैंने तो यहाँ बहुत कम प्लांटर हैंग किए हैं, चाहे तो पास पास रखते हुए काफ़ी सारे प्लांटर इसमें हैंग कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं सर्दियों में खूबसूरती से खिलने वाले लाइट पर्पल या हल्के बैगनी कलर के फूलों वाले चाइनीज़ वायलेट प्लांट के बारे में। ये एक हार्डी प्लांट है, किसी भी मिट्टी में अच्छे से सर्वाइव करता है, कटिंग से इजीली ग्रो हो जाता है और सालों साल चलता रहता है। विंटर में इसमें ऐसे हल्के बैगनी रंग के फूल खिलते हैं। इसमें वाइट कलर के फूलों वाले और पर्पल और वाइट मिक्स ऐसे फूलों वाले प्लांट्स भी मिलते हैं। इसके फूल दिखने में बहुत खूबसूरत नाजुक से होते हैं। इसके फूलों का कलर ना तो पर्पल होता है ना पिंक, उसका एक मिक्स सा कलर रहता है, बहुत ही खूबसूरत मॉव कलर, जिसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, वैसा कुछ इसका कलर रहता है। चाइनीज़ वायलेट दो तरह की पत्तियों वाले होते हैं। मेरे पास ये वेरीगेटेड पत्तियों वाला प्लांट है। इसमें एक प्लांट ऐसा भी आता है जिसकी पत्तियों में कोई वेरिएशन नहीं रहता है, प्लेन ग्रीन कलर की उसकी पत्तियां होती हैं। तो इस वाले प्लांट में ये फ़ायदा है कि जब इसमें फूल नहीं भी खिल रहे होते हैं तब भी ये प्लांट बहुत सुंदर दिखता है अपनी वेरिएटेड पत्तियों की वजह से। दरअसल जब मैं इसकी कटिंग लगाई थी ना शुरू में, तो तब मुझे ये मालूम भी नहीं था कि इसमें इस तरह से खूबसूरत फूल भी खिलते हैं। मैं तो बस इसकी पत्तियों की खूबसूरती देखकर ही इसकी कटिंग लेकर आई थी और इसे ग्रो किया था। तो जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया, कैसे भी मिट्टी में इसको लगाएं ये अच्छे से चलता रहता है। हमारे पास जो भी गार्डन सॉइल अवेलेबल है, तैयार मिट्टी है, उसी में हम इसको लगा सकते हैं। बस मिट्टी में हमें मॉइस्चर बना के रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये मॉइस्चर पसंद प्लांट है। अगर पानी इसमें मिट्टी में कम हो जाता है तो इसकी पत्तियाँ मुरझाई सी लगने लगती हैं, लटक सी जाती हैं। ये एक ऐसा प्लांट है जिसे हम चाहें तो फुल सन में भी ग्रो कर सकते हैं, सेमी शेड एरिया में भी ग्रो कर सकते हैं, और शेडी प्लेस में भी इसे अच्छे से ये ग्रो होता रहता है। बस उसमें फूल नहीं खिलते हैं फिर, पर पत्तियां इसकी तब भी वेरीगेटेड रहती हैं। तो इस तरह से इसके साथ में सनलाइट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मॉइस्चर बनाए रखने के लिए मैं इस प्लांट में इस तरह से पानी का स्प्रे कर देती हूँ बीच बीच में। फर्टिलाइज़र, कंपोस्ट या खाद की अगर बात करें तो भी इस प्लांट को बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। साल में दो बार, सितंबर और फरवरी में, जब मैं बाकी फोलियज प्लांट में फर्टिलाइज़र ऐड करती हूँ, तब मैं इस प्लांट की मिट्टी में भी थोड़ा सा फर्टिलाइज़र मैं ऐड कर देती हूँ।
गार्डन में इसे हेज की तरह से भी लगा सकते हैं। प्रूनिंग इस प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर बीच बीच में इसकी प्रूनिंग ना की जाए तो ये पौधा जंगली सा बढ़ता रहता है, बेतरतीब सा। इसलिए इसको शेप में रखने के लिए इसके बीच बीच में काट छाट जरूर करनी पड़ती है। ये एक ऐसा प्लांट है जिसे हम छोटे से छोटे पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं, या किसी बॉटल में मिट्टी भरकर भी अगर इसकी कटिंग को लगाएं तो भी ये अच्छे से उसमें चलता रहता है। कटिंग के थ्रू इसको हम बहुत इजीली प्रोपोगेट कर सकते हैं। चाइनीज़ वायलेट प्लांट्स के नीचे देखिए शाखाओं से ना इस तरह से रूट्स निकलती हैं, और ये जैसे ही मिट्टी को छूती हैं तो फिर नया प्लांट बना लेती हैं और ये पॉट में अपने आप ही घनी होती जाती हैं। और अगर हम इस हिस्से से भी कटिंग लें तो भी लग जाती हैं, अगर रूट्स ना भी बनी हो तब भी इसकी कटिंग बहुत ईजीली चलती है। ये देखिए इसमें से भी इस तरह से रूट्स निकली हुई हैं। मैंने भी एक छोटी कटिंग से ही इसे ग्रो किया था और अब देखिए मैंने इतने सारे प्लांट्स बना लिए हैं, और बहुत सारे प्लांट्स बनाकर मैंने किसी किसी को दे भी दिए हैं, ढेर सारी कटिंग भी दे दी हैं। तो इस तरह से ये बहुत इजीली लग जाता है। जो लोग बहुत ज़्यादा प्लांट्स की देखभाल नहीं कर सकते हैं उनके लिए ये प्लांट बहुत अच्छा है। अगर इसकी कटिंग कहीं से भी मिल जाए तो आप इसे ज़रूर से ग्रो कीजिए, ये बहुत कम देखभाल में अच्छे से चलते हैं। फूल खिल जाने के बाद में देखिए इस तरह से स्टॉक की तरह जो दिखाई दे रहा है इसे तोड़ के अलग कर देना चाहिए। इससे क्या होता है फिर से नई ग्रोथ होती है, नई कलियां बनती हैं और फिर फ्लावरिंग भी होती है। तो इस तरह विंटर भर इसमें फ्लावरिंग चलती रहती है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं यही सब आपसे शेयर करना चाहती थी। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। बाय बाय एंड टेक केयर।